Number 9 is a very good question. One half of a convex lens is covered with a black paper. Will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observations. देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ एक केस पहले तो जो हमने क्लास में पढ़ा हुआ है कॉन्वेक्स का, बहुत स्पेशल केस, बिकॉज यही केस अभी हम यहाँ एक्सपेरिमेंट में आपको लगा के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो केस ये बच्चों की कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये एफ है या एफ डैश आप इसको बोल सकते हो, ये टू एफ डैश हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर हो गया स्टूडेंट्स एफ और ये हो गया आपका टू एफ, करेक्ट। अब याद करिए बच्चों, इसमें एक कंडीशन होती थी जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे, बियॉन्ड टू एफ, याद करो, टू एफ डैश के बियॉन्ड रखते थे, यानी कि इन्फिनिटी और टू एफ के बीच में। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, याद करिए, तो इसकी इमेज कहाँ बनती थी, एफ और टू एफ के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है। आइए हम आपको बना के दिखाते हैं, ये आपका टू एफ है यहाँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखिए बच्चों, पॉइंट ए से एक रे लेके आते हैं, पैरेलल, पैरेलल कहाँ से पास करेगी बताइए, फोकस से, ठीक है ना, ये निकल गई ऐसी। और दूसरी लाते हैं स्टूडेंट्स हम कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ले आते हैं, चलिए, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे आपकी ऐसे सीधी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं, हाँ, तो आप देख सकते हो बच्चों पॉइंट ए की इमेज कहाँ बनेगी, ये वाले पॉइंट पे, ए डैश पे, ठीक है ना। और बी कहाँ बनेगा, इसी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको इमेज कैसी दिखाई पड़ रही है, ध्यान से चेक करिए बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड है और थोड़ी सी डिमिनिश्ड हो गई है, छोटी हो गई है, ठीक है। तो ये केस आपको याद है, ठीक। अगर ये केस आपको याद है तो पता है इन्होंने क्या बोला है आपसे, इन्होंने ये बोला है कि अगर हम लेंस को क्या करते हैं, देखो एक बार बताओ बच्चों, देखो मैं आपको लैब में एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। प्रैक्टिकल ये है बच्चों कि एक ऐसा लकड़ी का प्लैंक होता है, एक ऐसा पटरा होता है और इस पर सेटअप लगा होता है। कैसे सेटअप लगा होगा मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए। यहाँ पर बच्चों लेंस लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर बल्ब होता है, ठीक, और सामने हम क्या रखते हैं, एक स्क्रीन रखते हैं, ठीक। अब देखो बच्चों, ये बल्ब जो होगा इसको खिसका के हम ऐसा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ से दूर ले जाओगे आप, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली बल्ब कहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड टू एफ आ जाएगा। इतना वेल नोन है भाई, इस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होती होगी, सोचो 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5 + 5 = 10। अब कुछ बच्चे बोलेंगे जरूरी है 5 है, अरे भाई 6 होती होगी, 8 कितनी बड़ी हो जाएगी बताओ, फोकल लेंथ था 6 मान लो, 8 मान लो, तो ये देखो अगर 8 ले लें, 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, तो थोड़ा सा खिसका के हम ऐसा पीछे ले गए थोड़ा सा अंदाजे से, तो ये जो हमारा बल्ब है वो कहाँ आ जाएगा बताइए, वो आ जाएगा, चेक करिए, वो आ जाएगा आपका बियॉन्ड टू एफ आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे लेंस रख, ये लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी बल्ब से, बल्ब से जब निकलेंगी लेंस में से पास होंगी, लेंस में से जब पास होंगी अब आपका काम है, अब आपका काम क्या है, यहाँ पीछे की स्क्रीन रखी होगी, आप स्क्रीन को बहुत ही स्लोली स्लोली आगे पीछे करके चेक करोगे वैसे तो आगे ही लाओगे, पहले पीछे ले जाओ, पहले पीछे ले जाओ, अब धीरे धीरे कहाँ लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ, बहुत आराम से आगे लाओ, क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी हुई है कि इमेज कहाँ बनेगी, एफ और टू एफ डैश, एफ और 2F के बीच में, रियल एंड इन्वर्टेड। तो लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ, यहाँ कहीं जब आप लेके आओगे तो आपको इस स्क्रीन पे एक बल्ब दिखाई पड़ेगा, कैसा, इन्वर्टेड। आइए हम आपको डायग्राम से बना के दिखाते हैं, जो हमने बताया वही हम आपको बात बताते हैं, कुछ इस तरीके का बच्चों सेटअप होगा, ठीक है। यहाँ पे एक, ये देखिए, इसमें हमने ऐसा लेंस पास कर रखा, लेंस यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस फिट कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ कहीं बच्चों ऐसा बल्ब होगा और ये रहा बल्ब का फिलामेंट, ठीक है ना, और यहाँ सामने क्या होगी आपकी, स्क्रीन होगी पीछे, ठीक। इस स्क्रीन पे आपको बल्ब कैसा दिखाई पड़ेगा पता है, ये बल्ब आपको ये इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, मतलब अगर मार्कर रखा होता ना, ये मार्कर अगर ऐसा है तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल हम तो बल्ब की इमेज लेंगे, बिकॉज बल्ब से बहुत सारी रेज निकलती है ना, तो हमको एक अच्छी इमेज मिल जाएगी, ये देखिए कुछ इस तरीके का, अभी फिलामेंट ऊपर था, अब कहाँ दिखाई पड़ रहा है, नीचे इन्वर्टेड हो गया बल्ब, और थोड़ा सा छोटे साइज का दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमने प्रैक्टिकल किया, अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, पता है आप जब ये वाली स्क्रीन पे इमेज लोगे ना यहाँ पे, ठीक है, समथिंग इज कॉल्ड इमेज की इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, इमेज की इंटेंसिटी। ये क्या होता है सर, बच्चों एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी, क्या मैंने बोला, एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज इंटेंसिटी, मतलब जितना बढ़िया चमकीला ब्राइट दिखाई पड़ेगा ना ये आपको इमेज, आप बोलोगे हाँ भाई बहुत, ये तो बहुत बढ़िया इमेज बन रही है, यानी कि बहुत इंटेंस इमेज बन रही है, इसकी इंटेंसिटी कैसी अच्छी है, इसकी ब्राइटनेस कैसी अच्छी है। एक बात बताओ बच्चों, स्क्रीन पे जो इमेज बनी है उसकी ब्राइटनेस या उसकी इंटेंसिटी कब अच्छी होगी बताइए, उसके पर यूनिट एरिया पे ज़्यादा लाइट रेज आ रही है तभी तो हमने बोला इंटेंसिटी का मतलब क्या, हम आपको बता रहे हैं बताइए, ज़्यादा दिल पे नहीं लेना इन सब बातों को, इंटेंसिटी का मतलब क्या बताइए, हमने क्या बोला बताइए, एनर्जी पर यूनिट एरिया है ना, एनर्जी कौन सी एनर्जी, लाइट एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट
एरिया। अगर बच्चों परिमिट एरिया पे ज़्यादा लाइट रेज फोकस हो रही हैं तब तो आपको कैसी इमेज मिलेगी, इंटेंस, यानी कि इंटेंसिटी उसकी हाई होगी, ब्राइट होगी, बढ़िया एकदम शार्प मिलेगी, बढ़िया इमेज मिलेगी, चमकता हुआ फिलामेंट यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट सोचिए, अगर यहाँ पे कम रेज आए, सोचिए जरा, यहाँ पर अगर कम रेज आए, नंबर ऑफ रेज अगर यहाँ पे कम मीट कर रही हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि बल्ब का आपको इमेज नहीं दिखाई पड़ेगा, दिखाई पड़ेगा, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, कम। दिमाग लगाओ ना, पहले बच्चों यहाँ से 1000 रेज आ रही थी, कितनी 1000 यहाँ पे मीट करके 1000 रेज मिलके क्या बना रही थी, आपके बल्ब की इमेज। अब 1000 की जगह कितनी रेज बच गई बताइए, 500 मान लीजिए, हाफ हो गई, तो इंटेंसिटी घट जाएगी इसकी, लेकिन क्या इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी। क्यों बनेगी इमेज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है किसी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए, बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये आपका ऑब्जेक्ट था ए बी, इसकी एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कितनी रेज काफ़ी होती हैं, ओनली 2 रेज काफ़ी होती हैं, सही है ना। बस अब इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, यानी कि ये जो बड़ा सा बल्ब है इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, हर एक पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी रेज चाहिए, 2। क्या 2 से ज़्यादा रेज ले लें तो कोई प्रॉब्लम है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 2 रेज तो कम से कम चाहिए, सही है ना। तो बस ये चीज़ है। अब मान लो इस पॉइंट से बच्चों बहुत सारी रेज निकल रही हैं और हमने केवल 2 रेज को ही अलाउ किया, तो क्या आपको इमेज नहीं मिलेगी, इमेज मिलेगी। लेकिन यहाँ से अगर हमने कितनी रेज को अलाउ किया, 1000 रेज को अलाउ किया, यहाँ से 1000 रेज, तो 1000 रेज भी आके यहाँ पर मीट करेंगी ए डैश पे, उस टाइम पॉइंट ए की इमेज जो कि ए डैश पे मिलेगी वो कैसी मिलेगी, बहुत ही शार्प मिलेगी, बहुत ही ब्राइट मिलेगी, बहुत ही इंटेंस, जब नंबर ऑफ रेज ज़्यादा आएंगी। भाई नंबर ऑफ रेज अगर कम हो गई तो बस ब्राइटनेस ही घट जाएगी ना, इमेज तो फिर भी बनेगी, ठीक है। अब इन्होंने यही आपसे पूछा हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि अगर हम क्या करें, अभी तो आपने कंडीशन देखी सारी, अब इन्होंने पूछा है 1/2 कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ठीक है ना। अब क्या किया इन्होंने, कह रहे हैं कि 1/2 को हम किससे कवर्ड कर देते हैं, ब्लैक पेपर से। 1/2 का मतलब समझ रहे हो कि या तो आप बच्चों लेंस में ऊपर वाला पोर्शन, ये देखिए ये कॉन्वेक्स है आपका, ठीक है, या तो लेंस में आप ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर कर दो, सही है, और या तो आप लेंस में नीचे वाला पोर्शन, ये देखिए ये अपर हाफ था कवर किया, अब इसको ब्लैक पेपर से ऐसा हमने कवर किया, ठीक है, लेंस लिया उसमें ब्लैक पेपर लपेट दिया अपर हाफ पे, एक बार लोअर हाफ पे, बताओ क्या बच्चों बल्ब की इमेज नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अब लेंस से, मान लो पहले जब लेंस में कोई भी हमने कवरिंग नहीं करी थी ब्लैक पेपर से, तो मान लो बच्चों यहां से कितनी रेज आ रही थी, सपोज 1000, इस केस में कितनी आएगी अगर हम अपर हाफ को क्या कर दें ब्लैक पेपर से कवर, अब कितनी आएगी बताइए, 500, और जब हम लोअर हाफ को ब्लैक पेपर से कवर कर रहे हैं तो कितनी आएगी, यहाँ से कितनी पास करेगी ऊपर से बताइए, यहाँ से कितनी पास करेंगी, 500, और इस केस में यहाँ से भी कितनी पास करेंगी, 500, तो क्या आपको बल्ब की इमेज नहीं मिलेगी, मिलेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बच्चों इन्होंने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन, इन्होंने हमसे पूछा है कि वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना, अपने आंसर को आपको एक्सपेरिमेंटली बताना है, और क्या बताना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन भी बतानी है। चलो अभी मैं ये लिख के ही आपको बता देता हूँ, लेकिन बात समझो जरा, सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है आप वो देखिए, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सपेरिमेंट भी समझाऊंगा और यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने एग्जाम में ये लिखना है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट नीड्स ओनली 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज, मतलब कोई पॉइंट है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, ये आपका बल्ब है, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट है, किसी एक पॉइंट की अगर इमेज बनानी होगी तो उससे कम से कम कितनी रेज चाहिए, ओनली 2 रेज चाहिए, तो उसकी इमेज बन जाएगी, उससे ज़्यादा रेज आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पॉइंट की इमेज और शार्प बन जाएगी, उसकी इंटेंसिटी और अच्छी हो जाएगी, उसकी ब्राइटनेस और अच्छी हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ये लिखा है हमने सबसे पहले बता दिया कि अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे अगर हम किसी पॉइंट को लें और उसकी इमेज बनाना चाहें तो ओनली 2 रेज टू फॉर्म एन इमेज, केवल 2 ही रेज की जरूरत होती है जिससे उसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है ना। सिंस द एंटायर लेंस इज नॉट कवर्ड, आप चेक करिए पूरा लेंस तो कवर नहीं कर दिया गया है ना, अभी हाफ पोर्शन ऊपर का खुला है या तो हाफ पोर्शन नीचे का खुला होगा, यहाँ से तो रेस पास कर जाएंगे ना बच्चों, क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो हर एक पॉइंट के लिए अगर यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है तो हर एक पॉइंट के लिए, जैसे ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, फिलामेंट के ये वाले पॉइंट की इमेज बननी है, तो हर एक पॉइंट के लिए कम से कम 2 रेस तो पास ही हो जाएंगी, चाहे नीचे वाले पोर्शन से चाहे ऊपर वाले पोर्शन से, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बस लिखा है हमने यही, देखिए सिंस द एंटायर लेंस इज नॉट कवर्ड एटलीस्ट 2 रेस फ्रॉम ईच पॉइंट पास थ्रू द लेंस, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 रेज तो ऐसी होंगी हर एक पॉइंट से, बल्ब के हर एक पॉइंट से 2 रेज तो ऐसी होंगी होंगी जो कहां से पास कर जाएंगी, लेंस से पास कर जाएंगी, जहां से लेंस खुला है वहां से पास कर जाएंगी, क्या दिक्कत है। एंड हेंस एन इमेज फॉर्म, इस तरीके से इमेज हमें मिलेगी। हाउएवर सिंस द नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्वड इन द इमेज फॉर्मेशन रिड्यूसेस एज द लेंस इज इन हाफ कवर्ड, ठीक है ना बच्चों, हालांकि ऐसा होगा
क्या कि जो नंबर ऑफ रेज इन्वॉल्व होंगी इस बार इमेज फॉर्मेशन में वो जस्ट हाफ हो जाएंगी, क्योंकि हाफ लेंस क्या है, कवर्ड है, वहां से तो रेज पास नहीं हो पाएंगे जहां से कवर्ड है। तो क्या होगी प्रॉब्लम, बस सिर्फ इतनी प्रॉब्लम होगी कि आपकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस घट जाएगी, और क्या हो जाएगा बताइए। यही लिखा हुआ हमने, देखिए जरा, द इमेज फॉर्मेशन इज लेस इंटेंस एंड लेस ब्राइट, ठीक है ना। अब आइए बच्चों आपको लिखा देते हैं कि एक्सपेरिमेंट में आपको क्या लिखोगे और ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, हिंट हम आपको ये देते हैं, पहले तो आप लेंस रखिए पूरा पूरा, मतलब विदाउट कवर्ड, ब्लैक पेपर से कवर्ड नहीं रखो, ठीक है। अब क्या करोगे, यही वाला प्रैक्टिकल आपको करना है। आपने बल्ब की इमेज ले ली, ठीक है। लेने के बाद अब आप एक काम करिए, आप किसकी किसकी पोजीशन मार्क कर लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सुन लो बच्चों। लेंस की पोजीशन मार्क कर लो, मान लो लेंस पॉइंट ए पे रखा हुआ है, ठीक है, इमेज आपकी पॉइंट बी पे बन गई और ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट ओ पे रखा हुआ है। बात समझे ना, मैंने बताया ना लकड़ी का ऐसा पटरा होता है, स्पेस सिस्टम लगा होता है। तो बच्चों निशान तो लगा सकते हो ना, कितने सेंटीमीटर पे लेंस रखा था, कितने सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, कितने सेंटीमीटर पे इमेज वाली स्क्रीन रखी थी, इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अब एक काम करो, अब आप बहुत सावधानी से यहां से लेंस इसमें फंसा रहता है, एक स्ट्रक्चर बना रहता है, उसमें से आराम से लेंस को निकाल लो। बच्चों हिलाना नहीं, इसको स्लाइड मत कर देना आगे पीछे, इसकी पोजीशन फिक्स रखना। यहां से लेंस को आराम से निकालो और निकालने के बाद इसको क्या कर दो, इसको एक बार इसका अपर हाफ ब्लैक पेपर से कवर करो और एक बार इसका लोअर। चलो पहले अपर हाफ कर लो, कर लिया। अब एक काम करो, फिर से लेंस को यहीं पे लगा दो, हिलाना नहीं बच्चों, पोजीशन आगे पीछे नहीं करना किसी की, ना तो ऑब्जेक्ट की, ना तो इमेज की, और ना तो आपके लेंस की, ठीक है। अब एक काम करो, ये देखिए इसका लोअर पोर्शन आपने ब्लैक पेपर से ऐसा कवर कर दिया, कर दिया। अब एक काम करो, लाइट्स ऑफ कर दो, रूम में डार्कनेस कर दो, अंधेरा कर दो, कर दिया, लाइट ऑफ कर दी। अब ये सिस्टम ऑन कर दो, इसका बल्ब ऑन कर दो, कर दिया। अब बताओ क्या यहाँ बल्ब नहीं दिखाई पड़ेगा, बल्ब दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप क्या देखोगे ऑब्जर्वेशन में कि पहले जो बल्ब दिखाई पड़ रहा था उससे इसकी चमक क्या है, कम है। इस इमेज की चमक कम है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी ब्राइटनेस कैसी है, कम है। बात समझ में आ गई, ये चीज़ लिखनी है। फिर क्या करोगे बताओ आप, हाँ फिर से आप लाइट ऑन करोगे अपने रूम की, लेंस को निकालोगे और लेंस को ऐसा फ्लिप कर दो, पलट दो, पलट दोगे तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे कैसा पोर्शन हो जाएगा, अनकवर्ड, और ऊपर कैसा हो जाएगा, कवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, सही है। अब फिर से डार्कनेस कर दो रूम में, अंधेरा कर दो, फिर से ये वाला बल्ब ऑन करो, पोजीशन मत डिस्टर्ब करना किसी की, ठीक है ना। आप क्या देखोगे, आपको सेम पोजीशन पे ही इमेज मिल रही थी, बट उसकी इंटेंसिटी या ब्राइटनेस थोड़ी सी कम थी, कोई डाउट है बताइए, ये चीज़ है, ठीक है ना। अब आइए इसका आंसर लिखवा देते हैं हम आपको, और ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा वो भी लिखवा देते हैं, समझा तो मैंने दिया है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए पहले इतना। एक्सपेरिमेंट में अपरेटस क्या क्या आपको चाहिए, अपरेटस नीडेड, कॉन्वेक्स लेंस चाहिए आपको, मैंने बताया, बल्ब चाहिए, ठीक है, या कैंडल भी ले सकते हो उसकी जगह, कैंडल आपको ऐसा ही फ्लेम ऊपर है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कैंडल आपको दिखाई पड़ेगी स्क्रीन पे, ठीक है ना। ब्लैक शीट ऑफ पेपर यूज़ करोगे आप किसके लिए, ये पीछे स्क्रीन बनाने के लिए भी, और दूसरा लेंस को हाफ कवर करने के लिए भी, ठीक है ना। प्रोसीजर, प्लेस, सबसे पहले क्या करेंगे, प्लेस अ लेंस ऑन द टेबल, ये देखिए टेबल पे हमने एक लेंस प्लेस कर लिया, फिर क्या किया, देन लाइट अ बल्ब एंड प्लेस इट ऑन द साइड ऑफ द वन साइड ऑफ द लेंस ऑन द टेबल। इसी टेबल पे बच्चों एक बल्ब हमको क्या करना है, लाइट करना है, यानी कि ऑन करना है, उसको जलाना है और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख देना है, एक साइड पे, मतलब एक साइड पे क्या रखेंगे बल्ब, दूसरे साइड पे हम क्या करेंगे स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे जिसपे हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। मेक द रूम डार्क, ठीक है, रूम में अंधेरा कर दीजिए, ये वाले बल्ब को ऑन कर दीजिए। अब क्या करोगे, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर जिसको हम स्क्रीन बोलेंगे, ये देखिए शीट ऑफ द पेपर है जिसको जो स्क्रीन का काम करेगा, बिकॉज ये लेंस आपका क्या करेगा, यहीं पे तो रेज को फोकस करेगा ना, ठीक है ना, तो ये स्क्रीन है आपकी, ठीक, एंड प्लेस इट ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरी तरफ हमें स्क्रीन रखनी है। ये ब्लैक शीट वाला पेपर भी रख सकते हो या कोई भी शीट रख सकते हो, वाइट कलर का भी शीट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फोकस द इमेज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ द पेपर मीन्स ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन को आगे पीछे करते रहना है और इस तरीके से इमेज यहाँ पे फोकस हो जाएगी, ठीक है ना। नाउ टर्न ऑफ द लाइट, अब लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है ना, कौन सी लाइट बंद कर दीजिए, ये वाली लाइट बंद कर दीजिए, ठीक है ना। हाफ अ पोर्शन ऑफ द लेंस इज कवर्ड विद द शीट ऑफ द ब्लैक पेपर, अब लेंस का हाफ पोर्शन किससे कवर कर दोगे, ब्लैक पेपर से। माउंट द लेंस ऑन द टेबल इन द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब जहाँ लेंस था वहीं पर रखे रहने दीजिए। रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, और अबव एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट करिए, यानी कि बल्ब को फिर से यहाँ ऑन करिए और आपको यहाँ पर इमेज उसी पोजीशन पर मिलेगी। लेकिन ऑब्जर्वेशन क्या है इसकी, फोकस इमेज इज ऑप्टेंड इन बोथ द एक्सपेरिमेंट, मतलब दोनों ही एक्सपेरिमेंट में, जब हमने विदाउट ब्लैक पेपर किया था, विदाउट इसको कवर किए, और जब इसको हाफ कवर करके किया, दोनों ही केसेस में यहाँ पे इमेज फोकस होगी, लेकिन अंतर क्या है। हाउएवर द इमेज फॉर्म्ड विद हाफ द लेंस कवर्ड इज लेस ब्राइट
देन वेन इट इज अनकवर्ड। बात समझ में है कि नहीं? जब हमने इसको कवर कर दिया तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस सिंपल है, यही हमने आपको बताया। ज़रूरी नहीं कि ये लैंग्वेज लिखनी है, आपको जो पसंद आया आप वो लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है ना। देख लीजिए, सब बहुत ईजी था, आराम से आप बना सकते हो ये वाला डायग्राम एग्जाम में और समझा सकते हो, ठीक है।